हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे वन्नास गुड वाइब्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लड्डू गोपाल की ड्रेस। इसमें मैं दिखाऊंगी कि लड्डू गोपाल की ड्रेस की सिलाई कैसे लगाते हैं। इस बार की वीडियो में पहली कुछ मेज़रमेंट की वीडियो नहीं हो पाई, वो क्लिप अधूरी रह गई, तो सिलाई की वीडियो है। यहाँ पर मैं चोली सिल रही हूँ जिसमें लेस लगा रही हूँ। आजकल जो ड्रेसेस बनती हैं उसमें आपका चोली और जो घेर वाला पार्ट होता है वो अलग अलग होता है। और यदि आपको वीडियो ये अच्छी लगती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे आगे ऐसी और वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल की ड्रेसेस और राधा कृष्ण के कपड़े बनाती रहती हूँ। विद मेज़रमेंट के साथ मैं आपको आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। अभी ये चोली बन रही है। हमारे पास जो लड्डू गोपाल हैं वो करीब 4 से 5 नंबर के बीच के हैं, तो मैं उनके अकॉर्डिंग, उनकी नाप के अकॉर्डिंग उनके कपड़े सिलती हूँ। अभी मेज़रमेंट तो नहीं है हमारे पास, कोई बार अगली बार की वीडियो में मेज़रमेंट भी मेंशन करूँगी, आपको बताऊँगी कि कितना सेंटीमीटर, कितना इंच कपड़ा लेना है आपको घेरा बनाने के लिए, कितना इंच कपड़ा लेना है आपको चोली बनाने के लिए। और अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो सिलाई करना पसंद करते हैं। घेरे वाले पार्ट के लिए यहाँ पर हम चुन्नटे डालते हैं, एक के बाद एक प्लीट्स बनाते जाते हैं और सिलते जाते हैं। फिर बाद में इसको कवर कर देते हैं लेस के माध्यम से और इसका गोलाई में इसको सिलाई लगा देते हैं, जिससे एक घेरा बन जाता है गोल। मैंने ये ड्रेस लड्डू गोपाल की हरे रंग के कपड़े में बनाई है, क्योंकि सावन चल रहे थे और मैं चाहती थी कि सावन में हरियाली हर जगह रहती है, तो भगवान के लिए भी ग्रीन कलर के कपड़े, हरे रंग के कपड़े बनाए जाएं। तो मैं इन्हें गोल्डन लेस लगाई है और ग्रीन कलर में सिंपल ड्रेस को बनाया है उनके लिए। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे भी मैंने कई सारी ड्रेसेस बनाई हुई हैं लड्डू गोपाल की, राधा कृष्ण की। आप चाहें तो उस जन्माष्टमी की डेकोरेशन की वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। घेरा बनकर रेडी हो गया है इस तरीके से, गोल घेरा। और ये उसकी चोली है जिसको हम ऊपर से बांधते हैं उनके कंधों से ले जाकर पीछे पीठ पर। ये देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को सजा रही हूँ। इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल को सजा सकते हैं, एक्रेलिक पेंट से आप उनका मेकअप कर सकते हैं। जो ज्वेलरी वगैरह, जो मुकुट वगैरह है, ये बनाए हुए हैं हाथ के, हैंडमेड मैंने पहनाए हैं। और ये रहा उनका घेरा, इस तरीके से उनकी पूरी पोशाक तैयार हो जाती है। दो ही पार्ट में आपका पूरा ड्रेस तैयार हो जाता है। मार्केट में दोनों तरीके से ड्रेसेस मिल रही हैं, अलग अलग में भी, रेडीमेड और रेडीमेड में जुड़े हुए भी आ रहे हैं जिसमें चोली पार्ट जुड़ा हुआ होता है। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे ज्वेलरी पहना रही हूँ, उनका हार है और ये हार भी मैंने हाथों से बनाया है, नागों से, झरकर नागों से। ये रही बांसुरी, वो भी हाथ से ही बनाई, हैंडमेड है। सारे की सारी चीज़ें DIY हैं। जो इनके केश हैं लड्डू गोपाल के, वो भी मैंने घर पर ही बनाए हैं और ये रेशम धागे से बनाए हैं। आप चाहें तो इसके लिए यूट्यूब की वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हैं। और ये रहा उनका